उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका 85-85 का फॉर्मूला 270 कैसे बनता है, इसे समझने के लिए शायद सुपर कंप्यूटर और गणितज्ञों की जरूरत पड़ेगी। फडणवीस ने इस तंज से सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। दिल्ली के बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने बताया कि भाजपा की सीटों के लिए संभवतः कल घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक बेहद सकारात्मक रही और अब केवल 10 सीटों पर चर्चा बाकी है, जिसका हल अगले 1-2 दिन में निकलने की उम्मीद है। बहुधा भाजपची पुढची यादी ही उद्यापर्यंत आम्ही घोषित करू आणि आजची बैठक देखील आमची खूप सकारात्मक झाली आहे। विशेषतः तिन्ही पक्षांच्या जागा वाटपाच्या संदर्भात आता केवळ 10 जागा बाकी आहेत की ज्यांच्यावर आमचा तोडगा निघालेला नाही, बाकी सर्व जागांवर आमचा तोडगा निघालेला आहे। उद्या किंवा परवामध्ये आम्ही त्या 10 जागांवर किंवा जे काही 10-11 जागा आहेत त्याच्यावर सगळा तोडगा काढू आणि बाकीच्या जागा देखील घोषित होतील। त्यामुळे आता मला असं वाटतं की फारसं काही आमच्याकडे महायुती म्हणून जे काही काम आहे ते फार काही राहिलेलं नाही आहे। आता आम्ही आपापल्या जागा लवकरात लवकर घोषित करू। अर्थातच तुमचा पुढचा प्रश्न असणार आहे की तुमचा फॉर्म्युला काय आहे, तर तो फॉर्म्युला 10 जागा ठरल्यानंतरच सांगू। फडणवीस ने यह भी इशारा किया है कि महायुति में अब ज्यादा मुद्दे बचे नहीं है और यात्रा का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। तनाव कमी अरे एवढं काम झाल्यानंतर थोडा तर तनाव कमी झाला ना। आता 288 पैकी 10 जागा उरल्या, 278 जागा जवळपास आम्ही डिसाइड करू शकलेलो आहोत, तर मला असं वाटतं मोठं काम झालं आहे आमचं। हमारा अजेंडा पक्का है। पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार का काम लोगों ने देखा है। जिस गति के साथ हमने काम किया है वो लोगों के नजरों के सामने है, उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। फडणवीस ने यह स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे पर एक बड़ा फॉर्मूला तय हो चुका है। भाजपा और सहयोगी दलों की 278 सीटों की लगभग सहमति बन गई है, जबकि 10 सीटों पर अंतिम निर्णय बाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन के बीच तनाव का माहौल नहीं है और चुनावी तैयारियों में तेजी लाई गई है। नहीं, गणित ठराया 285 285 285 270 होता जे कहीं गणित मानले है ते समजण्याचा प्रयत्न सुपर कंप्यूटर आणि गणितज्ञ करतात। वही महाविकास आघाडी के बारे में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि उनके सीट बंटवारे का कोई स्पष्ट फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, महाविकास आघाड़ी का 85-85-85 का फॉर्मूला 270 कैसे बनता है, समझने के लिए शायद गणितज्ञों को सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN News, नागपुर।